गरीबों को निःशुल्क घर घर जाकर भोजन कराया गया। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बाहर से आने वाले श्रद्धालु लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भंडारा करते हैं तथा भंडारे के नाम पर परिक्रमा मार्ग में गंदगी का रूपाप कमाते हैं, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वह लोग भोजन तक नहीं पहुँचते जिसके वास्तविक रूप से भोजन की जरूरत है, जिसके चलते आज ठाकुर चौहल सिंह के द्वारा अपने घर घर जाकर गरीब असहाय बीमार व्यक्तियों को भोजन एवं चाय नाश्ता उपलब्ध कराया। हम बता रहे हैं 4 जून को चौहल सिंह जसावत के पिता श्री गोपाल सिंह जसावत की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घर में प्रभुजनों को भोजन एवं चाय नाश्ता उपलब्ध कराया था। मीडिया की टीम ने जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने से काफी खुशी हो रही है। हम सभी समर्थवान व्यक्तियों को समाज के ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, जिससे नर सेवा ही नारायण सेवा है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। आपका चौहल सिंह, आज जैसा कि आपने नर सेवा नारायण सेवा की है, इसके बारे में क्या कहेंगे और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके द्वारा? हम ये मैसेज जाना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं, हमने दिया जो कर रहे हैं, जो हम पर बनी है, हम पर जैसे है, और भी भाई जो है कल्याण की व्यवस्था करें, नर सेवा नारायण सेवा करें, भोजन पानी कराएं, नाश्ता कराएं। जैसा कि आज यहाँ पे चौहल सिंह जसावत की तरफ से आज जो नर सेवा नारायण सेवा की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे और आज इनका क्या क्या प्रोग्राम रहा है? आज क्या एक्चुअली इनके पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है और ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपने पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो बेसहारा लावारिस होते हैं ना, जिनका कोई नहीं है, दैनिक स्थिति में जो सड़कों पर रहते हैं, प्रभु जी ना मांग के खा सकते हैं, ना छिला के बख सकते हैं, उनके लिए संस्था अपनी निःशुल्क काम कर रही है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए संस्था काम कर रही है। इनके द्वारा बहुत ही संपूर्ण मानव सेवा की जा रही है। इनके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना समय निकाल कर ये आए। हमारी तो यही ठाकुर जी से कामना है, प्रभुजनों की, कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सभी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है और ऐसे ठाकुर जी के आशीर्वाद से सेवा करते रहें। अपने आप में बहुत बड़ी सेवा करें। भरतपुर के महिपाल हत्याकांड में फरार दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।